70s में जब गुंडे के चेहरे पर हीरो मुक्का जड़ता था तब बैकग्राउंड से आवाज आती थी ढिशुम। तब से ढिशुम शब्द दर्शकों को रोमांचित करता आया है और एक्शन का प्रतीक है। शायद इसीलिए निर्देशक रोहित धवन ने अपनी फिल्म का शीर्षक ढिशुम चुना। उन्होंने अपनी फिल्म में रोमांच और एक्शन डालकर मुख्य किरदारों को खूब भगाया है और दर्शकों को रोमांचित करने में वे थोड़ा बहुत सफल भी हुए हैं। यदि स्क्रिप्ट पर थोड़ी मेहनत और की जाती तो ढिशुम में निखार आ जाता। फिल्म शुरू होती है एक वीडियो टेप से जिसे विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इसमें एक आतंकी कहता है कि उसने भारत के मुख्य बल्लेबाज विराट शर्मा का अपहरण कर लिया है। मिडिल ईस्ट में भारत का फाइनल मैच में मुकाबला पाकिस्तान से है और विराट उसमें नहीं खेल पाए ताकि भारत मैच हार जाए। मैच शुरू होने में लगभग 36 घंटे का समय है। भारत से ऑफिसर कबीर को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह विराट को ढूंढ कर लाए। मिडिल ईस्ट में कबीर की इस मिशन में मदद करता है जुनेद। कबीर और जुनेद के हाथ इशिका लगती है जिसके पास विराट का मोबाइल फोन है। इशिका एक पॉकेट मार है, उसी के सहारे कबीर और जुनेद आगे बढ़ते हैं। अगर फाइनल कैंसिल हुआ मार दूंगा इसे। कहानी रोचक है और इस पर एक थ्रिलर बनने के सारे गुण मौजूद हैं। फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी है क्योंकि जॉन और वरुण की केमिस्ट्री अपील करती है। कुछ अच्छे दृश्य आते हैं जो मनोरंजन करते हैं। लेखकों ने अपहरण के गंभीर मुद्दे को हल्का फुल्का रखा है लेकिन धीरे धीरे फिल्म अपना असर खोने लगती है। मनोरंजन का ग्राफ आधे घंटे के बाद तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। एक खास मोड़ पर आकर कहानी गंभीरता की मांग करती है जिसे पूरा नहीं किया गया। कबीर और जुनेद अपने स्तर पर मामले की पड़ताल करते हैं लेकिन इसमें वो रोमांच नहीं है कि दर्शक भी इस मामले से पूरी तरह जुड़ जाए। दरअसल फन एलिमेंट के चक्कर में निर्देशक लेखक थ्रिल वाली बात भूल गए। विदेशी जमीन पर कबीर जिस तरह से कारनामे करता है उस पर हैरानी होती है। फिल्म के खलनायक असर नहीं छोड़ पाते। फिल्म का बड़ा प्लस पॉइंट है जॉन और वरुण की जोड़ी। दोनों किरदारों को बखूबी गढ़ा गया है। एक एंग्री यंग मैन है तो दूसरा बड़बोला। अमिताभ और शशि कपूर की जोड़ी की जॉन और वरुण याद दिलाते हैं। जुनेद को सतीश कौशिक के जो फोन आते हैं वो खूब हंसाते हैं। कॉमेडी सीन अच्छे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कल रात को हुआ क्या था। निर्देशक के रूप में रोहित धवन प्रभावित करते हैं। अपने पिता डेविड धवन की तरह उन्होंने सारा फोकस दर्शकों के मनोरंजन पर रखा है। एक्शन और कॉमेडी का मिश्रण उन्होंने अच्छी तरह से करते हुए फिल्म को स्टाइलिश और यंग लुक दिया है। फिल्म की गति उन्होंने तेज रखी है और लंबाई कम। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहाँ शाण पत्ती सिर्फ शाणों पर जचती है, पुलिस वालों पे नहीं। वरुण धवन अपनी ऊर्जा से फिल्म में ऊर्जा भर देते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार है और कुछ सीन उनके ही कारण देखने लायक हैं। जॉन अब्राहम को यहाँ पर संवाद कम और एक्शन ज्यादा करने के लिए दिया गया है और उनके एक्शन सीन शानदार हैं। जैकलिन फर्नांडिस को सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि फिल्म में एक हीरोइन होनी चाहिए। अक्षय खन्ना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए हैं। आश्चर्य है कि उन्होंने वापसी के लिए इस तरह का रोल चुना क्योंकि उनके रोल में कोई नई बात नहीं है। छोटे से रोल में अक्षय कुमार आकर फिल्म को ऊंचा उठा देते हैं। नरगिस फकरी और परिणीति चोपड़ा ने फिल्म के ग्लैमर को बढ़ाया है। अरे तूने कितने में ली? लेनी छोड़, अब शायद देनी पड़ेगी। ढिशुम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कमियों के बावजूद यह बोर नहीं करती और समय अच्छे से कट जाता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।